हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर जो है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। ठीक है, जो हमारे पॉलिटी यानी सिविक्स के अंतर्गत आता है, जिसको हिंदी में राजनीति शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है नाइन्थ का लोकतंत्र का क्रमिक विकास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि लोकतंत्र होता क्या है। ठीक है, और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है किसी भी देश को, किसी भी देश के लोगों को, लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हम लोगों के पास वो क्या है, लोकतंत्र क्या है। ठीक है, लोकतंत्र क्या, ठीक है, क्या है। ठीक है, लोकतंत्र एक जस्ट लाइक एक डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी टाइप का रूल है। ठीक है, इसको इंग्लिश में लोकतंत्र को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो शासन होता है जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगी कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। ठीक है, अपने मेंबर्स को चुनेगी और उनको अपने अपने यहाँ के संसद में भेजेगी। ठीक है, और वहां सरकार बनाएंगे वो, और क्या होगा, फिर शासन होगा। ठीक है, तो इसमें जनता के द्वारा क्या होता है, अप्रत्यक्ष शासन होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या करती है, जनता अपना वोट सिर्फ देकर चुनती है। ठीक है, इसमें जनता खुद से शासन नहीं करती। ठीक है, इसमें जनता अप्रत्यक्ष शासन करती है। ठीक है, जैसे हमारे देश भारत में है, इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा देश भारत है। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है, और भारत का संविधान जो है सबसे भारत जो है सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है ये तो आप समझ गए, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्यों, लोकतंत्र क्यों। देखिए, लोकतंत्र में आप जानते हैं दो तरह का हम लोग के पास शासन होता है। ठीक है, एक होता है लोकतंत्र और एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मोनार्की भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, राजा के द्वारा शासन होता है। जैसे कि जो राजघराने होते हैं, पहले जमाने में राजघराने होते थे, वो शासन करते थे। अभी इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है हमारे पास, जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ब्रिटेन। ठीक है, वहां पे भले ही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वहां पे शासन अभी भी रानी का है। ठीक है, जिसको हम लोग रानी एलिजाबेथ बोलते हैं। ठीक है, उनका शासन, तो राजतंत्र है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, राजा का शासन होता है, राजा खुद से अपना मनमानी करते हैं, जो भी उनको समझ में आए वो ही शासन करते हैं, इसमें जनता का कोई भला नहीं सोचा जाता उतना। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र जनता खुद के लिए अपना चुनती है, तो लोकतंत्र में अपना जनता खुद अपना बताएगी क्या नियम होगा क्या नियम नहीं होगा, तो इसलिए लोकतंत्र का किसी भी देश को जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हो गया लोकतंत्र। लोकतंत्र ऐसे तो होगा नहीं, सबसे पहले लोकतंत्र 1789 ईस्वी में इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, फ्रांसीसी क्रांति के बाद सबसे पहला बार लोकतंत्र इम्प्लीमेंट में आया था। ठीक है, इम्प्लीमेशन में आया था उसमें। उसके बाद जब ये 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, तब लोकतंत्र पहली बार चर्चा में आया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैल गया लोकतंत्र। उसके बाद सारे कंट्री, लगभग सभी कंट्री डेमोक्रेटिक हो गए हैं, कुछ कंट्रीज को छोड़ के, अभी के टाइम में, अभी के समय के मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी पर लोकतंत्र पे ही 16 जो प्रेसिडेंट थे, 16वें राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है, उनका नाम अब्राहम लिंकन है। लोकतंत्र के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा था, अ डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अगर इसका हिंदी आप लोग देखना चाहें तो होगा, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कौन दिए थे, अमेरिका के 16th राष्ट्रपति। ठीक है, 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट है किसके बारे में, अबाउट द लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए कि लोकतंत्र क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और शुरुआत कब हुई थी 1789 ईस्वी के बाद, और इसका स्टेटमेंट जो बेस्ट स्टेटमेंट है जो सबको अभी
जो सब कोई जानता है पढ़ता है, वो अब्राहम लिंकन का ये एक तरह से कोटेशन का ये स्टेटमेंट का ये है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो और भी डेप्थ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।